फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे कि आप जानते हो मेरे चैनल स्विमिंग बाय मनी, दूसरा टेक्निकल लवली मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज की जो वीडियो है वो प्लेयर्स की डाइट के ऊपर है। प्लेयर्स को कौन सी डाइट सबसे बेस्ट रहती है, सबसे बेस्ट वाली, मतलब नंबर वन में बेस्ट डाइट वही रहती है, ठीक है। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज खाते हो तो ही देखना, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बन जाएगी। काफ़ी कमेंट आते थे कि प्लेयर्स को, जो स्विमर प्लेयर है, उनको क्या क्या डाइट में चाहिए, वो सारी मैं डाइट विंटर्स में, मतलब कि सर्दियों में, मैं वही कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो मैं सबसे पहले बता दूँ, अगर आप घर में नहीं तैयार कर सकते तो ये हेल्थ स्ट्रीट है। अगर आप लोकल वॉच कर रहे हो, ये हेल्थ स्ट्रीट है, ठीक है। इसका लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाऊंगा। वैसे मैं बता देता हूँ ये क्या कहते हैं मॉल कौन सा है, ये डिवाइन सिटी है, न्यू बस स्टैंड के सामने। वैसे ये मॉल ही है, डिवाइन सिटी के नाम से है ये, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं एक चीज़ बता दूँ, ये डिवाइन सिटी के सामने, ये O2 जिम है, उसके एकदम सामने डिवाइन सिटी में हेल्थ स्ट्रीट है, ठीक है। इसकी बैक साइड में आती है, मतलब कि डिवाइन सिटी के अंदर है ये शॉप, ठीक है। तो काफ़ी हेल्दी रहता है ये फूड, ये कर सकते हो हेल्दी फूड, ठीक है। खाओ, मेहनत करो, फिर ये आनंद भी है, ठीक है। आप यहाँ बैठ के एकदम सेटअप ले सकते हो, कैसे आनंद भी है। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, थोड़ा मेन्यू आप चेक कर सकते हो, ये नॉन वेज वाला मेन्यू है, ठीक है। इसमें नज़र मार देता हूँ, मैं जो आज की रेसिपी बताऊंगा वो आपको मैं बता दूंगा कौन सी बताने वाली है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बांसा फिश, जो कि आप जहाँ से भी फिश लोगे उनको बोल देना कि ऐसे कटिंग कर देना, कांटा लेस कर देना, इसको बोनलेस भी कहते हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आपने डाइट लेनी है तो आप वेट के हिसाब से और हाइट के हिसाब से लेना, ठीक है। उसके बाद आपकी एज क्या है, जैसे कि ये नॉर्मल रहता है कि अगर आपकी 12-13 साल है तो आप 200 ग्राम खा सकते हो। इसमें 200 ग्राम में आपको मिनिमम आपको 38 ग्राम प्रोटीन मिलेगी, 30-40 के आसपास मिल जाएगी प्रोटीन, ठीक है। वेट मशीन याद रखना कि ऐसी रहे। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, दूसरी साइड से भी आपको दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप ये फिश लोगे, एक याद रखना कि इसकी स्किन जरूर उतरवा लेना, स्किन नहीं उतरवाओगे तो जब इसको आप तैयार करोगे तो इसकी स्किन अलग हो जाएगी, जिसके कारण आपको खाने में टेस्ट में थोड़ी और लगेगी। तो आगे रेसिपी क्या है वो बताते हैं। सबसे पहले आपने ये ले ली, तो फ्रेंड्स इसमें ये लहसुन है, गार्लिक जिसको कहते हैं, उसमें हमने काली मिर्च डाली हुई है, थोड़ी सी ये काली मिर्च डाली है, और उसमें हल्का सा नमक ऐड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो पेस्ट तैयार किया है उसमें हमने, जो पेस्ट तैयार किया है उसमें गार्लिक, मतलब लहसुन और हरी मिर्च है, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑर्गेनिक डाला है, ठीक है, जिसको सूखा धनिया कहते हैं। तो इसको क्या करना है, तो फ्रेंड्स इसके कर लेने हैं पीस, पीस करके आपने वेट कर लेना है, वेट करके ही बनाना। अगर आप बाद में वेट करोगे तो एग्जैक्ट वेट का पता नहीं चलेगा, ठीक है। जब चेक कर सकते हो, मैंने पीस कर लिया है और ये रेसिपी सारी तैयार कर ली है, ये बहुत आसान है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने ये सही सही पीस कर लेने हैं, ये हो गया जीरो। तो फ्रेंड्स अभी चेक कर सकते हो, ये 200 ग्राम हम पूरी करेंगे, 200 ग्राम से ना ज़्यादा कम, हाँ मतलब कि 10 ग्राम ऊपर हो जाए, 5-10 का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक्चुअली आप समझ सकते हो कि 200 ग्राम इतनी होगी, तो ये 213 ग्राम है चलेगी, इसको हम कुछ कर नहीं सकते, बस इसको इसके अंदर मेल्ट कर देना है, इसको जितना भी आपने तैयार किया है, गार्लिक है इसमें और क्या कहते हैं इसमें काली मिर्च है और नमक है, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा अपना तो ये ऑर्गेनिक बीच में मिक्स किया हुआ है, इसको मेल्ट कर देना है। मैं एक चीज़ बता दूँ, ये मैं सिर्फ आपको रेसिपी बता रहा हूँ इसकी, इसलिए ताजो कि आपको पता लग जाए, पर इसको मेल्ट करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है। जितना टाइम ये ज़्यादा रहेगा उतनी ही ये बेनिफिट रहेगी, उतना ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आएगा। एक चीज़ और बता दूँ कि इसमें, तो फ्रेंड्स जब ये पूरा हो जाए उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देनी है। इससे क्या होगा, इससे एक तो टेस्ट को भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, इसमें कलर को भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। आप अगर इसमें कलर देना चाहते हो तो रेड सॉल्ट, जो लाल मिर्च होती है ना, देगी लाल मिर्च जो सिर्फ कलर देने के लिए होती है, आप वो भी डाल सकते हो, ठीक है। इसको आपने सेम ऐसे करके इसको आपने रख देना है, और जितना टाइम, मतलब कि 1-2 घंटे आप इसको ऐसे मील तैयार कर सकते हो एक बार में, और इसको आप मिनिमम नहीं तो 2 दिन स्टोर कर सकते हो, ठीक है। 2-3 दिन इजीली चल जाएगी, पर आप डीप फ्रिज में रहनी चाहिए, ठीक है। आप एक टाइम निकालो, इसको बनाओ, बनाने की सारी रेसिपी मैं आगे भी बताऊंगा। तो इसको आपने ऐसे बना के छोड़ देना है, तो हम इसको 2 घंटे ऐसे रहने देंगे, उसके बाद कैसी दिखेगी वो दिखाते हैं। हो गया तैयार, उसको 2 घंटे हो गया पड़े हुए को, तो इसमें थोड़ा सा हमने ओली ऑयल डाल लेना है। वैसे नॉन स्टिक जो पैन होता है उसमें भी चल जाएगा, पर हल्का सा ओली ऑयल आपको डालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ओली ऑयल नहीं तो आप सरसों का तेल अपने स्वाद अनुसार देसी घी भी डाल सकते हो, ऐसी नहीं, बस ये इसलिए डालना है कि ताजो फिश जो है जो वो नीचे ना लगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपने इसमें क्या करना है, जो आपने रेसिपी उसमें डाल ली, आपने कुछ नहीं करना है इसमें, आपने सिर्फ इसको सेकना है, ठीक है। और सेकना कितनी देर है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने ऐसे पीस रख लेने हैं, तो जैसे एक चीज़ बता दूँ कि जब ये आप डालोगे तो एटलीस्ट पूरा जो ऑयल है वो गर्म होना चाहिए, ठीक है। और जो साउंड सुन रहे हो ना, जो जैसे आप तेल में रख रहे हो तो वो साउंड आनी चाहिए, जिस जो ऑयली ऑयल डाला है ये इसलिए डाला है ताकि फिश नीचे लग के सड़न आ जाए,
ठीक है। आपने इसको मिनिमम नहीं तो 5 से 10 मिनट तक पकाना है ये आपके, अगर आप इस पे बनाना चाहते हो इसमें बना सकते। तो फ्रेंड्स इसको आपने 3-4 मिनट पकाना है, तो क्या करना है कि 3 मिनट ऐसे पका लेना है, साइड चेंज कर लेना, मतलब 2 मिनट बाद आप साइड चेंज कर देना, फिर 2 मिनट बाद साइड चेंज कर देना, मतलब पकानी अच्छे से या दोनों साइड से अच्छे से पक जाए, ठीक है। जैसे कि अभी आप डाल दिए, तो ये बहुत आसान है और एक प्लेयर के लिए सबसे बेस्ट है। इसके बेनिफिट क्या है मैं बता देता हूँ। इसमें क्या हो जाएगा, जो हार्ट रेट है वो भी काफ़ी बढ़िया रहेगी, ठीक है। इसमें प्रोटीन मिलेगी, फैट जीरो मिलेगी, बहुत कम फैट मिलेगी अगर मिली भी तो। उसके बाद इसमें अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं, अपना ब्रेन के लिए सबसे बेस्ट होती है, आँखों के लिए सबसे बेस्ट होती है, बालों के लिए सबसे बेस्ट होती है, और ये ब्लड के लिए भी सबसे बेस्ट होती है। तो फ्रेंड्स अभी हम इसको चेंज कर लेंगे। चेंज कैसे करना है, ये तो कॉमन है, ये तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको ना आए तो आप अब पहली बार करोगे तो आपको दिक्कत होगी होगी। तो इजीली आपने ऐसे इसको चेंज कर लेना, सारे के सारे मतलब कि पीस तैयार कर लेना, एक को देख लेना कि कितना सेका हुआ है, तो थोड़ी देर बाद आप उसको चेंज कर लेना। तो अब हम इसको थोड़ा स्किप कर देते हैं। ये जब पक जाएगी, पूरी पक जाएगी, तो ये बीच में से टूटने लग जाएगी, मतलब कि जैसे कि अभी ये आप चेक कर सकते हो, ये मार के मैं दिखा देता हूँ, जैसे अभी ये अलग नहीं हो रही, अभी ये कच्ची है, ठीक है, ये टूटने लग जाएगी। एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप इसकी स्किन नहीं उतरवाओगे, जैसे जो नीचे नीचे लगी देख रहे हो ये स्किन है, क्योंकि ये जब उतारते तो ये पूरी अच्छे से नहीं उतरती, तो ये आपने अच्छे से सेक लेनी है। जब ये टूटने लग जाएगी तो समझ लो आपकी फिश पूरी पक गई है। तो बीच में अब थोड़ी मैंने फॉरवर्ड करके दिखा दिया आपको, ठीक है। टाइम टू टाइम आपने इसको चेंज करना है, अगर आपने चेंज नहीं किया तो ये पूरी सड़ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये सारे पीस हमने चेंज कर लीजिए, चेक कर सकते हो कि अब ये पक रही है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा ही पका लोगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, वैसे कच्ची थोड़ी कच्ची भी खाओगे तो उसका बेनिफिट है। अब ये चेक कर सकते हो, जैसे टूटने लग गया पीस, ठीक है। अब मात्र इसको 2 मिनट लगेंगे, ये चेक कर सकते हो, भैया चेक कर रहे हैं बीच में से, जब ये चेक कर सकते हो, अब ये पूरी पक चुकी है, ठीक है। हम इसको आधा सेकंड और पकाएंगे ताकि ये एंड अच्छे से पक जाए, ठीक है। उसके बाद प्लेट में सर्व करके दिखाते हैं हम आपको। आपने सिंपली इजीली है, ये बहुत हेल्दी होती है, मतलब कि इसमें आपको 1% भी नुकसान नहीं होने वाला, मतलब कि फैट आपको जो गंदी फैट होती है वो आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें बिल्कुल ही जीरो फैट है। वैसे चिंटू के लिए तो ये बढ़िया नहीं है, पर फिर भी उसको मैं बीच में जैसे जो एक मील होती है चिकन की मील होती है वो भी मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स ये आप चेक कर सकते हो कि फ़िश बड़ी जल्दी तैयार हो चुकी है, तो ये आप घर में आसानी से तैयार करके खा सकते हो। ये प्लेयर के लिए सबसे बेस्ट है, एकदम बेस्ट, जिसने वेट लूज करना है और उसने अपनी बॉडी भी बढ़िया बनानी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। वो चाहते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क ना पड़े और वो अपनी डाइट भी पूरी रखे और उसका वेट भी लूज़ हो जाए। ये डाइट सबसे बेस्ट है, जिसमें प्रोटीन पूरी होगी, ठीक है, हेल्दी रहेगी, ठीक है, हार्ट बाल आंखें ओ टू जेड पूरी बॉडी को जो बहुत बेनिफिट देती है। और एक चीज़ बता दूँ कि इसमें ऑयल भी काफ़ी रहता है, फिश में जो होता है ना फिश ऑयल होता है, जो कि कई जो है डॉक्टर कैप्सूल रिकमेंड करते हैं कि हाँ भी आप कैप्सूल खाओ, फिश ऑयल कैप्सूल खाओ, ठीक है। तो उसमें ओमेगा 3 और वगैरह वगैरह होते हैं, वो मुझे अभी याद नहीं है। तो फिलहाल आप देख सकते हो ये बहुत आसानी से पक गई है, पकानी बहुत आसान है, तैयार हो चुकी है। उसके लिए आप सैलड कैसे मर्जी काट सकते हो, जैसे कि देख सकते हो 120 रुपये किलो प्याज जो कि हमें खाने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स तो खीरा प्याज आप सैलड में और कुछ भी रखना रख सकते हैं, ठीक है। जैसे गाजर आपने ब्रिक ब्रिक काटनी है वो भी काट सकते हैं, अदरवाइज चुकंदर भी काट सकते हैं, बेनिफिट है उसको, नुकसान नहीं है। तो उसके बाद क्या है, पूरी रेडी हो चुकी है, एकदम रेडी हो चुकी है। अब आपको प्लेट में सर्व करनी है, वो आपको प्लेट आप सीधी डायरेक्ट प्लेट दिखाएंगे।
बांसा फिश की ये तैयार है, ये आपको मिलेगी 180 रुपए की, ठीक है। हेल्थ सेटिंग में ओवरऑल सारा कुछ बहुत बढ़िया है, मेन्यू मैंने आपको दिखा दिया है, मैं आपको ऑर्डर दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स इसमें आपको ये सारा वेज का मेन्यू है, नॉन वेज का मेन्यू मैंने पहले स्टार्टिंग में दिखा दिया था। वेज में सप्राउट्स भी काफ़ी तरह के हैं, ठीक है, ये सारा ओवरऑल काफ़ी तरह का। अब हेल्थ सेटिंग पर ओवरऑल आपको सारा हेल्दी मिलेगा, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये है बांसा फिश, ठीक है, जो 180 रुपए की मिलेगी, ठीक है। तो यही क्वांटिटी रहेगी, ये है ओवरऑल देखा जाए, ये आपको मिल जाएगी 180 रुपए में, एक टाइम की मील है, ये आराम से खा सकते हो एंड बढ़िया है, ठीक है, हेल्दी है। तो फ्रेंड्स ये है बांसा फिश, बेस्ट प्लेयर के लिए ये पूरा डाइट है, यहाँ का शेड्यूल है। अगर आप घर में नहीं तैयार कर सकते हो तो ये डाइट प्लान है यहाँ के सारे ये नॉन वेज का, सीधा पकड़ा ना, ये नॉन वेज का आपको दिख नहीं रहा होगा, ये सारा नॉन वेज का है, ठीक है, ठीक है। वेज का मैंने आपको दिखा दिया है, ये वेज का है, आप वीडियो रोक के देख सकते हो। तो ओवरऑल सारी ये ओके डाइट है, बल्कि चिंटू की बल्कि हफ्ते में 2 बार ये रहती है और 4 बार इसका बल्कि 4 नहीं 3 बार इसका चिकन रहता है। चिकन में भी काफ़ी बढ़िया रहता है, वो 150-130 के आसपास है। चिकन भी काफ़ी तरह का है, ड्राई है, अपना फ्रूट चिकन सैलड, हाँ चिकन सैलड भी है, और क्या है, चिकन चिकन ड्राई चिकन, मतलब कि 2-3 ऐड में है जो भी है, इसके ऊपर सारी लिखी हुई हैं, ठीक है। पर मैं इसको 2 खिलाता हूँ, ड्राई चिकन खिलाता हूँ और ये फ़िश खिलाता हूँ। ये बांसा फिश है, इसमें काफ़ी हेल्दी रहता है और फैट इसमें बिल्कुल नहीं होती, प्रोटीन होती है, तो ओवरऑल बढ़िया होती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और इसी तरह मैं आपको सारी रेसिपी दिखाऊंगा। और स्प्राउट्स बहुत बढ़िया होते हैं, खून को साफ करते हैं, तो वीडियो को एंड करते हैं। और डिवाइन सिटी, ठीक है, डिवाइन सिटी के एकदम सामने बैक साइड में आ जाना, आप सीधा एंटर करोगे जहाँ पार्किंग नीचे बेसमेंट में पार्किंग होती है, उसके ऊपर ही ये आपको मिल जाएगा हेल्थ स्ट्रीट, ठीक है। काफ़ी बढ़िया ऑटो जिम के सामने है, अगर आप घर में नहीं खा सकते तो बच्चे के लिए ये सबसे बेस्ट है। आप स्विगी और जोमेटो पे भी ऑर्डर कर सकते हो। तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और आज के लिए इतना काफ़ी है। स्विमिंग प्लेयर्स के लिए डाइट के पूछे जा रहे हैं, डाइट कौन सी जरूरी है, कैसे जरूरी है, हेल्दी कौन सी है, जो भी है ओवरऑल मैंने सारी अभी जो सर्दियों में जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो मैं डाइट के ऊपर बनाने वाला हूँ, कौन सी खानी चाहिए, कौन सी नुकसानदायक है। हेल्थ स्ट्रीट में A to Z जो फूड मिलने वाला है वो हेल्दी मिलने वाला है, ठीक है, और क्वांटिटी भी उसकी सही रहती है, एक बच्चे के लिए मतलब सही है, ठीक है। बाकी एज के हिसाब से खिलाना, सर्दियों में ये सबसे बेस्ट है, गर्मियों में थोड़ी कम खाना क्योंकि ये गर्म तस्वीर की गर्म होती है, ठीक है। गर्मियों में क्या हो जाएगा, रैशेज हो सकते हैं, जो इसके साइड इफेक्ट रहते हैं, अगर आप ज़्यादा खा लेते हो तो उसमें इचिंग होने लग जाती है, क्या होता है, गर्मी पा लेती है बॉडी के अंदर। अगर आप इसको खा रहे हैं, ये नहीं कि खाना मना है, खाने के साथ साथ आपको पानी की क्वांटिटी ज़्यादा करनी पड़ेगी गर्मियों में, सर्दियों में थोड़ा चल जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो, अगर वीडियो लंबी होगी तो मुझे माफ़ करना, आज के लिए इतने काफ़ी है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर देना एकदम। फ्रेंड्स ये थी प्लेयर्स के लिए डाइट, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें मेरे चैनल को। ये है टेक्निकल लवली मनी, जिसके ऊपर मैं गैजेट्स की अनबॉक्सिंग करता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, इसी तरह आपको और वीडियो देता रहूँगा। थैंक यू।